भगवानपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 54 ग्राम स्मैक के साथ दो सगे भाई गिरफ्तार। भगवानपुर पुलिस ने गत रात्रि चेकिंग के दौरान दो सगे भाइयों को 54 ग्राम स्मैक के साथ ग्राम खुबनपुर से गिरफ्तार किया, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 3 लाख रुपए आंकी गई है। आपको बता दें कि भगवानपुर थाना अध्यक्ष पीडी भट्ट के द्वारा नशे के कारोबार पर शिकंजा कसने के लिए बड़ा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जहां पुलिस को एक हद तक कामयाबी भी मिल रही है। वहीं नशे के सौदागर फिर भी क्षेत्र में बिना किसी डर के स्मैक की तस्करी कर रहे हैं। हालांकि थाना अध्यक्ष पीडी भट्ट ने बताया कि उनके द्वारा नशे के खिलाफ अभियान ऐसे ही जारी रहेगा, नशे के कारोबारियों को किसी भी हालत में नहीं बख्शा जाएगा। ये हमारे भगवानपुर क्षेत्र में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में लगातार नशीले पदार्थों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के अंतर्गत कल दिनांक 14/1/2021 को देर रात्रि चेकिंग के दौरान दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। एक का नाम शहजाद उर्फ बादल है, दूसरे का नाम एजाज उर्फ लाला है। ये दोनों सगे भाई हैं। इनके पास से 54 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई है। बरामदगी के आधार पर दोनों के खिलाफ मुकदमे कायम कर दिया गया है और आज इनको वास्तव रिमांड श्रीमान न्यायालय में पेश किया जा रहा है। सर, क्या इनका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है? इनका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है, सभी दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं। जो भी इनका अगर पुराना आपराधिक इतिहास हो तो इनके खिलाफ गैंगस्टर गुंडे की कार्रवाई की जाएगी। सभी आरोपी पकड़े गए या और भी पकड़े? दोनों आरोपी पकड़ गए। सर, जो ये मादक पदार्थ इनके पास पकड़े गए, इसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्या कीमत होगी? इसकी कीमत लगभग 3 लाख रुपए होगी, जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 3 लाख रुपए की कीमत है। थैंक यू।